कक्षा 6 के ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित विषय का अध्ययन करा रहा हूँ और गणित के अंदर हम संख्याओं के विभाज्यत की जांच करने के नियमों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो इससे पहले हमने 2 का, 3 का, 4 का विभाज्यत का नियम देखा। आज हम 5 से विभाज्यत का नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था 2 से विभाज्यत का नियम। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। और 3 का मैंने आपको बताया था कि दी गई संख्याओं का योग, जो संख्या आपको दे रखी है उसके अगर अंकों का योग 3 का गुणज हो या उसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। 4 का मैंने आपको बताया था 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या के अंतिम 2 अंक से बनी संख्या, 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य है तो आगे चाहे कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो वह 4 से विभाज्य होगी। और आज हम कर रहे हैं 5 से विभाज्यत का नियम। अब ये क्या होता है ध्यान से देखिए और समझिए। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो इस नियम की शर्त यही है कि जो अंक आपको दे रखा हो उसका जो इकाई का अंक यानी एकदम लास्ट अंतिम अंक जो है वो या तो होना चाहिए 0 या होना चाहिए 5, यानी इन दोनों में से कोई एक, तो वह संख्या 5 से क्या होगी विभाज्य होगी। अब देखिए इसका उदाहरण के द्वारा देखते हैं। उदाहरण मान लीजिए मैं संख्या लिखी 7825 और एक मैंने लिखा 9722। ये 2 अंक मैंने लिखे हैं। अब इस नियम के आधार पर आपको बताना है कि ये संख्याएँ 5 से विभाज्य है या नहीं। तो देखिए कैसे करेंगे आप हल 7825। अब इसमें आपको क्या करना है इकाई के अंक को ध्यान से देखना है क्योंकि इकाई के अंक की बात कर रही है तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0 या 5। तो इसमें देखिए इकाई का अंक 5 है तो इसका अर्थ ये संख्या जो है पूरी 7825 ये 5 से विभाज्य है। तो इसको करेंगे कैसे हम लिखेंगे संख्या 7825 का इकाई का अंक 5 है। 7825 का इकाई का अंक 5 है इसलिए संख्या 7825 कोमा करके लिखना है आपको फिर 5 से विभाज्य है। दी गई संख्या 7825 का इकाई का अंक 5 है इसलिए संख्या 7825 5 से विभाज्य है। इसी प्रकार से सवाल नंबर 2 9722
7722। अब इसमें देखें इकाई का अंक क्या है, दो। शर्त के मुताबिक क्या होना चाहिए था, 0 और 5, दोनों ही नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि 9722 जो है ये संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। तो इसको अगर हमें लिखने का कहें तो हम लिखेंगे संख्या 9722 का इकाई का अंक 2 है। इसलिए संख्या 9722 5 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए, आज हमने 5 से विभाज्यता के नियम के बारे में अध्ययन किया और आपको मैंने 2 उदाहरण के द्वारा यह समझाया। अब आप कोई भी संख्या लीजिए और आप स्वयं पता कीजिए कि वह संख्या 5 से विभाज्य है या नहीं। धन्यवाद।